हरियाणा सरकार द्वारा लोगों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए उपमंडल स्तर तक समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रादौर में समाधान शिविर के चौथे दिन काफी संख्या में लोग अपनी शिकायतों के निवारण के लिए पहुंचे। शिविर में ज्यादातर शिकायतें फैमिली आईडी से संबंधित रहीं, जिनमें कुछ का निवारण मौके पर किया गया, जबकि फैमिली आईडी को अलग करने का प्रावधान न होने के कारण उन शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत दर्ज की गई, ताकि पोर्टल ओपन होने के बाद समस्या का समाधान किया जा सके। एसडीएम जयप्रकाश ने बताया कि शिविर में ज्यादातर लोग फैमिली आईडी अलग बनवाने के लिए पहुंचे थे, जबकि अभी आईडी को अलग करने का प्रावधान सरकार की ओर से नहीं किया गया है। इसके अलावा भी कई शिकायतें ऐसी थीं जो अनावश्यक थीं। उन्होंने उपमंडल के सभी अधिकारियों को भी शिविर में सही समय पर पहुंचने की हिदायत दी है। कोई भी नागरिक किसी भी तरह की समस्या लेकर हमारे पास अगर आता है तो प्रयास किया जाता है कि संबंधित विभाग उसी समय उसका निवारण करे, और अगर निवारण नहीं हो पाता है तो उसको बताए कि किस वजह से ये निवारण नहीं हो पा रहा है, और इसकी जो दैनिक रिपोर्ट है हम डिप्टी कमिश्नर को भेजते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आज हमारे चौथे दिन लगभग 50 के करीब जो है नागरिक अपने समस्या लेकर आए हैं, जिसमें से मैक्सिमम जो है फैमिली आईडी से संबंधित थी, जिसमें से कुछ इनकम रिलेटेड थी, कुछ लेकिन कुछ जो है फैमिली आईडी जैसा आपने बताया अलग करने लायक थी। तो मेरा सभी से जो यहाँ पे नागरिक हैं उनसे अनुरोध है कि फिलहाल सरकार द्वारा फैमिली इनकम को सेपरेट करने, फैमिली आईडी को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उस पर टेम्परेरी रोक लगा रखी है। तो इस संबंध में जितनी भी हमारी शिकायतें हम उनको निश्चित तौर पर कंपाइल करके एक पॉलिसी मैटर बना के हम ऊपर भेजेंगे। इसके अलावा दूसरी फैमिली आईडी से संबंधित जो कुछ शिकायतें हैं वो इस प्रकार की हैं कि शिकायतकर्ता जो है किसी ना किसी वजह से अपनी फैमिली इनकम को कम कराना चाहता है, जबकि यहाँ जब उनको उनके काउंसिल करके या वेरिफिकेशन करके पता लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी जो इनकम थी वो सही पाई जाती है। तो इस तरह से अननेसेसरी जो शिकायतें हैं उनसे बचें, जो जेन्युइन शिकायतें हैं उनको पूरा समय इससे मिलेगा ताकि हम भी निश्चित तौर पर समाधान कर पाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पे हमारे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे रहे थे जिन्होंने जो समय पे आज नहीं पहुंच पाए, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि पहले दिन तीन दिन हमारे पास इतनी ज्यादा शिकायतें नहीं थी। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जिनके एक भी शिकायतें नहीं आई थी, लेकिन आज से हम सख्त निर्देश दे दिए जाएंगे कि सब डिविजन लेवल पे सब डिविजन स्तर का अधिकारी जो निर्णय लेने में या उस मुद्दे को बताने में सक्षम हो वही पर्सनल तौर पर यहाँ पे आए, और 9 बजे से 11 बजे तक कल से आपको हर विभाग के अधिकारी यहाँ पे मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स न्यूज सर्विस।